गौरा, एक बात अवश्य कहूंगी, तुम्हारा ये घर बहुत ही बड़ा और सुंदर है। तो पछी, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारी पोती मेरे घर में महारानी की तरह राज करेगी। अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे, तुम्हारे पति परमेश्वर कहाँ है? उनसे भी तो हम सबकी मुलाकात करवाओ। अरे कोयली, जीजा जी को बाद में मिल लेना। अरे सबसे पहले ये अपनी विद्या की मेहंदी की रस्म तो शुरू कर दे। ए छोकरियो, अय्या वो, ये देखो, ये है मेरी होने वाली पोती बहू विद्या। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही सुंदर और खूबसूरत इसकी मेहंदी होनी चाहिए। समधन, ये मेरा घर है, यहाँ भी आप टांग झांक करने वाली है? बत नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो ठीक, वरना ये मोदी भवन नहीं है, इसलिए जरा संभाल के, वहां तो सिर्फ बिजली का झटका और चूहेदानी में हाथ चला गया था। यहां उससे भी बड़ा झटका मिल सकता है। अब वैसे आपको किसने कहा कि मुझे बिजली का झटका लगा था? और वो क्या है, लोगों को सिर्फ दो आंख होती है, मुझे चार आंखें हैं, दो आगे और दो पीछे। क्या बात है चटंकी, तुम्हारी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही? अपने बहन के संगीत में उसे आना नहीं था कि तुम लोग लाए नहीं हो? गौरा, वो दरअसल हम सब झूठ बोले कौआ काटे, और जिसे झूठ बोलने की आदत ना हो उसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारी छटंकी की नजर और उसका चेहरा साफ बता रहा है कि तुम लोग विद्या की बड़ी बहन को जानबूझ के नहीं लाए हो। लेकिन सच कहूं, अच्छा वो उसे नहीं लाए। वैसे भी हवन में हाड़का डालने वाले विघ्न संतोषी लोगों को शुभ कामों में लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस तीखी छुरी को मेरा प्रस्ताव मंजूर है भी या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? संगीत संध्या का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। अब बोलो कौन आ रहा है लड़की वालों की तरफ से? अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? अरे भाई, आज विद्या और श्रवण के संगीत का कार्यक्रम है। लाइट किसने बंद कर दी? और रमेश भाई, जनरेटर ऑन कराओ। अरे कोई सुन रहा है कि नहीं? लड़की वालों के सामने बेइज्जती करनी है क्या हमारी? बाजी कोई हुआ, मेन फ्यूज में दिक्कत होगी, मैं चेक करवाता हूँ।
पापा यहाँ तो दूर दूर तक टैक्सी नजर नहीं आ रही है। मिल जाएगी बेटा। ओहो, तुम दोनों बाप बेटों से एक टैक्सी भी नहीं रोकी जा रही। अरे याद करो जब हम मुंबई में थे, ऐसे एक चुटकी में मैं टैक्सी रोक लिया करती थी। वो मुंबई है, और अगर थोड़ी देर तुम अपना मुंह बंद रखोगे ना तो टैक्सी मिल जाएगी। मेरे चुप रहने से क्या टैक्सी मिल जाएगी आपको? धवल जी, हम ऑलरेडी लेट है और हाँ तो संगीत शुरू भी हो गया होगा। बात तो सही है, अगर हम टैक्सी के वेट करते रहे तो फंक्शन पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक काम करते हैं किंजल, हम पाई का रिक्शा लेके चलते हैं। मैं ड्राइवर को अभी फोन किए देता हूँ। मीरा तो एक मिनट कोयली, मीरा की वजह से विद्या और श्रवण का संगीत नहीं बिगड़ना चाहिए। देखते हैं ये लड़की क्या करना चाहती है। कहीं इसने मेरी बात ना मानने का फैसला तो नहीं कर लिया? रिक्शा रुकिए। धवल जी ये कैसे चला रहे हैं आप? आओ, आओ। अरे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मोदी परिवार का दामाद रिक्शे में आ नहीं रहा बल्कि खुद रिक्शा चला कर आ रहा है। वाह, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। और मैं एक बात कह देती हूँ आपको, अब जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप उनके घर से रिक्शा कुछ दूरी पे रोकिएगा ताकि कोई हमें उतरते हुए ना देख ले। कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। लड़की का सच में तो हृदय परिवर्तन नहीं हो गया? बस 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 बस। किंजल, क्या हुआ? अब क्या हुआ? विद्या का ससुराल यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे, तो एक काम करते हैं, आप रिक्शे को यहीं कहीं पार्क कर दीजिए। रिक्शा यहीं पार्क कर देते हैं, पर क्यों? क्योंकि वहाँ इतने सारे मेहमानों के सामने इस तरह रिक्शा से उतरना मेरी शान के खिलाफ है। और तब जब मेरा ही पति रिक्शा चला रहा तब तो बिल्कुल भी नहीं। अगर फिर भी आपको रिक्शे में उनके गेट तक जाना है तो वहां पहुंचते ही मैं कह दूंगी कि मैं आप दोनों के साथ नहीं हूं और मैं आप लोगों को नहीं जानती। वहां तो संगीत शुरू भी हो गया होगा। हे भगवान, कैसे दिन देख रही हूं मैं। झूठी तारीफ करने वालों पर मैंने भरोसा करना छोड़ दिया। Excuse me. परी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।